अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको सब चीज़ की, जैसे कि एक्चुअली मैं आज बना रही थी दाल गोश्त, और दाल गोश्त मैंने स्टार्ट कर दिया, सब डाल दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि आप लोग को मुझे इसकी रेसिपी बतानी थी। तो बहुत सिंपल है, मैंने वो क्लिप आपको डालूंगी कि मैंने बना दी थी, मैंने बोला है उसमें भी, पर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। लाइक अगर आप एक किलो का दाल गोश्त बना रहे हो, एक किलो का मटन आप लो, आज तो मैंने कैसे बनाया कि मटन में सब एक साथ ही डाल दिया। वैसे नॉर्मली हम प्याज को लाल करते हैं और उसके अंदर फिर मसाला, जैसे अदरक लहसुन है, हम उसको पीस डालते हैं और फिर सब मतलब भून के करते, पर मैंने आज जैसे बनाया है तो मैंने मटन में एक किलो मटन लिया है। अब ध्यान से सुनो, एक किलो मटन के अंदर मैंने तीन कांदा काट के डाल दिया, उसमें चार टमाटे वो भी डाल दिया। एक मिंडा कौन आया, कौन है? आ जाओ। हाँ तो फिर से मैं बोलती हूँ, एक किलो गोश्त में तीन कांदा और चार टमाटे हमको काट के उसमें डाल देना है। फिर उसमें हमको अदरक लहसुन का पेस्ट, लाइक अदरक लहसुन का पेस्ट हमें एक किलो के हिसाब से एक, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो, हाय बोलो, हाय बोल। मैं ऋषभ, माय नेम इज ऋषभ, बोल ऋषभ। ये कौन है ऋषभ? मेरा नाम ऋषभ है। कौन है ये अंदर, कौन आया, कौन आया? तत्तेन भाई नहीं है, कौन है, कौन है बोलो? ऋषभ, ऋषभ। और ये कौन है? मैं कौन हूँ? भाभी, भाभी। मैं एक्चुअली यहाँ मेरे को सब भाभी बोलते हैं, इसलिए भी मेरे को भाभी बोलता है। तो अभी मेरे को कंटिन्यू करने दे। हाँ तो आपको एक किलो गोश्त में तीन कांदा और चार टमाटर डालना है, और उसके बाद में तीन चम्मच लाल मिर्च की बुक्की, धनिया पाउडर तीन चम्मच, और एक चम्मच हल्दी, छोटी छोटी चम्मच देना, बहुत बड़ी नहीं। और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आपको डाल देना है, जीरा पाउडर डालना है, और गरम मसाले में लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, थोड़ा सा साजीरा, जीरा, अक्का जीरा भी, और प्लस जीरा पाउडर दिया। और आपको उसमें जो फूल आता है, बड़ी इलायची आती है वो डालना, और जो फूल आता है ना बना हुआ, वो भी आपको डालना। फूल का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये आपको डालना है, थोड़ा सा हल्का भूनना है, भूनने के बाद में नमक भी डालना है, भूनना है, भून के बाद में आपको उसको गोश्त गलाने तक रखना है। जब गोश्त गल जाएगा उसमें फिर आप दूध या डाल दीजिए, जैसे अभी आपको लगा कि ऑलमोस्ट गोश्त गल गया है, आप उसमें दूध या डाल दो। दूध या डाल के फिर दूध या तो एक सीटी या दो, मतलब डेढ़ में, एक सीटी दो सीटी में हो जाता है, फिर वो हो जाएगा। फिर इसको आपको साइड में रख के दाल लेना है। दाल में मैं, जैसे कि अगर आप एक किलो की गोश्त ले रहे हो तो आपको पाव किलो दाल चाहिए, और दाल में आपको 150 ग्राम तुअर दाल और 50 ग्राम मसूर, 50 ग्राम मसूर की दाल, थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ी सी ही डालनी है, और थोड़ी सी मैं तो नहीं डालती हूँ चने की दाल। चलो ठीक है, मैं अपना ही बताती हूँ, मैं चने की दाल नहीं डालती हूँ। तो आप उसमें 150 ग्राम तुअर दाल ले लीजिए, और 50 ग्राम मसूर दाल, और थोड़ी सी मूंग, ऐसा हो जाता है पूरा पाव किलो। और वो दाल को आप उसमें नमक और हल्दी डाल के गला दो। गलाने के बाद में वो दोनों को आपको मिक्स करना, और थोड़ा सा इमली का पानी उसमें डाल के भून के फिर आप उसको बारीक पे रखो, जाके ऊपर तरी आ जाएगी। बस ये सिंपल है बनाना दाल गोश्त की रेसिपी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मेरे मेन चीज़ में, कि हम कुछ अपना एक मिनट, ये सही, हाँ लाइक अफशा ने भी अपने ब्लॉग में बोली है, और मैं भी अपने बोल रही हूँ कि हम लोग कुछ अपना मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ स्टार्ट करना होता है, लाइक बिजनेस नहीं बोलेंगे हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे इसको। हाँ ये ऐसा है कि ये भी चीज़ मुझे वाया वाया आ रही है, और मैं उसको अपना मतलब थोड़ा सा कुछ अपना प्राइस रख के मैं बेच रही हूँ, क्योंकि अगर बिजनेस बोलती हूँ तो ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चर या जो भी है तो होता था, बट ये थोड़ा सा हमारा वाया वाया है तो हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है, जो इंडिया के बाहर है, जो हमारा ब्लॉग देखते हैं इंडिया के बाहर, उनसे हमको सिर्फ दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में तो, इंडिया के बाहर तो हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते।
हाँ इंडिया में भी हम लोग इंडिया में भी मुंबई के बाहर भी नहीं सप्लाई कर सकते। तो मेरा ये दरख्वास्त मुंबई वालों से कि मुंबई वाले आप लोग के लिए अगर आपको ये चीज़ें लगता है कि आप लोग ले सकते हैं तो हम लोग अपना नंबर देंगे, तो आप उस पर कॉल करके ये चीज़ मंगा सकते हैं, हम आपको फ्री होम डिलीवरी देंगे। फ्री होम डिलीवरी ना अफशा? हाँ फ्री होम डिलीवरी देंगे आपको। और जैसे कि आपको पर उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मंगाना होगा तो हम आपको फ्री होम डिलीवरी दे देंगे। तो मेरे पास में जैसे नगेट्स वगैरह है, नगेट्स है, चीज़ बॉल क्रंची चिकी ये है, चीज़ डिलाइटेड पैटी है रेगुलर बेस में, पेपर जैक पैटी और क्रंची चिकन नगेट्स, तंदूरी चिकन पॉपकॉर्न, चिकन कबाब, चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप, कोटे स्पाइस चिकन विंग्स, ये सब चीज़ें मेरे पास, चिकन क्रिस्पी चिकन फ्राइज, चिकन गार्लिक फिंगर्स, ये सब चीज़ें हैं, आपको एक किलो की क्वांटिटी में मिलेगा और ये मार्केट प्राइस से आपको बहुत कम में ही मिलेगा, जो मार्केट प्राइस है तो उससे आपको कम में ही मिलेगा। तो जैसे बच्चों के टिफिन्स में होते आप डाल सकते हैं, स्नैक्स में अगर आपको शाम में बना के खाना हो तो आप खा सकते हो। तो चिकन बर्गर पैटी भी है और वेज और नॉन वेज दोनों है, नॉन वेज में भी है आपको जो चाहिए तो, आलू टिक्की है, हर्ब चिली पटाटो पैटी है, पंजाबी मसाला टिक्की और पनीर पैटी, वेज बर्गर, मोज़रेला चीज़ स्टिक्स, ये सब चीज़ें, अमूल चीज़ भी है और अमूल बटर भी है। तो ये सब चीज़ है, तो हम हमारे ब्लॉग में आपको इसके फ़ोटोज़ डाल देंगे, जो भी आपको चाहिए रहेगा आप वो फ़ोटो क्लिक करके उसमें आप मुझे कमेंट में प्राइस पूछ सकते हैं, हम लोग आपको प्राइस बता के, हम लोग फ़ोन नंबर भी डालेंगे, तो फ़ोन नंबर अगर हम डालें तो प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत है तो ही कॉल करना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ 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 आप बार बार कॉल नहीं करना। तो ठीक है मैं पिक्चर डाल दूँगी तो आप लोग देख लेना, तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी दुआ की ज़रूरत है और ये स्टार्टअप ही समझ लो, हम लोग का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देखते हैं आप लोग की दुआ से। तो बस आपका साथ चाहिए और साथ साथ के साथ में आप खरीदना भी। इसमें एक किलो गोश्त लिया है, एक किलो गोश्त के अंदर तीन कांदा मीडियम साइज़ का, चार टमाटर, हल्दी, नमक, तीन मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, तीन चम्मच धनिया पाउडर और दूधिया तो मैंने अभी डाल दिया, आपको दूधिया अभी नहीं डालना है, पहले गोश्त गलाना है। जैसे मैंने बताया कि मुझे बाद में याद आया ये रेसिपी आपको दिखाऊँ, इसलिए मैं डालने के बाद मुझे याद है तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। और इसमें आपको गरम मसाला डालना है, जैसे लौंग, काली मिरी, इलायची, दालचीनी, जीरा, साजीरा और जो फूल आता है ना वो वाला, और हमको तेज़पत्ता डालना है और नमक बताया मैंने आपको, और इसमें जीरा पाउडर भी डाली हूँ। उसके बाद आप इसको भून के तेल भी हम इकट्ठा सब, मतलब हम इकट्ठा सब डाल दे रहे हैं इसमें, और तेल डाल के जितना तेल आपको, मतलब तीन चम्मच तो आप तेल डाल ही दीजिए, और उसके बाद में ये भुनेगा, उसके बाद में कुकर की सीटी लगाना, गोश्त गल जाएगा। गोश्त गलने के बाद मैं आपको सलाह, गोश्त गल गया है, गोश्त गलने के बाद आप इसमें दूधिया डाल दी, अभी मैंने इसमें दूधिया डाल दिया है, दूधिया बहुत जल्दी गल जाता है एक से दो सीटी में, फिर उसके बाद में मुझे इसको निकाल के फिर मैं आगे का बताती हूँ कि क्या करना है।
तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करो। और हमेशा तो आप लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, हम सब के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए, तो पर इस बार आपकी दुआ के साथ साथ में सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट आस। अगर आपको चाहिए, अगर आपको ऑर्डर करना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको मतलब वहाँ पे भिजवा दूँगी। तो प्लीज़ ऑर्डर गो फास्ट 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 और ऑर्डर करो। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।